Sagrada Mater, above us. Take absolutism. It is very common to be uncommon. Very common. Badi aam si baat. Har aadmi uncommon hona chahta. गैर मामूली होना चाहते उसके अंदर उजब गुरूर वमल हया तक इल्ला गुरूर नुमाइंदा अपने शऊर से वो अपने आप वो एहसास से कमतरी में उलझा एक गरीब दयार इंसान जो जमीन में अपने ही जैसों में नुमाइंदगी तलब हो उनमें ही अपने सर को ऊंचा कर तकबरात जात में उलझा हो अगर अगर परवरदिगार हमें अकल बख्श शऊर बख्श और हम अकल की इस इस्तादाद को हम हासिल करना चाहें तो फिर हमें उस अंदाज मारफत रसूल को अपनाना उस अंदाज रसूल को अपनाना हो जिसको अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे आला और अफजल करा जिसको एक मिसाली जिंदगी करा दिया जिसको तसव्वुफ करा दिया जो तरीकत है जो शरीयत है मगर इसके साथ एतदाल ही वो इल्म जिससे हमारी आंख हमारी जात पे खुलती है जो एक कमाल तसव्वुफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा हाउ टू नो गॉड हाउ टू नो गॉड फरमाया नो दाई सेल्फ एंड यू शैल नो दाई गॉड अपने आप को जानो हजरत अली करमल्ला वजू से पूछे फरमाया मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बा जिसने अपने नफस को पहचाना अपने रब को पहचाना हुजूर गिरामी मर्तबत का इरशाद कि अल्लाह जिसे अपना इल्म देना चाहता उसकी आंख उसके ऊपर खोल देता हजरत उतर मेरी आंख मेरे ऊपर कैसे खुले मुझे कैसे महसूस हो आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट आई एम नॉट ए पैरा साइकोलॉजिस्ट मैं नफ्सियादान तो नहीं हूं मुझे अपना आप किसी साइकेट्री के लिए प्रेजेंट करना होगा मुझे अपनी शनाख्त के लिए किसी माहरे उलूम नफ्स को जाना होगा मुझे समझना होगा कि नफ्स क्या है मुझे समझना होगा कि वो माहरे नफ्स कौन है जो मुझे ये बताए कि आपका ये प्रॉब्लम है इसको दूर करो तो एतदाल में आओगे और फिर जाके शनाख्त खुदावन पाओगे आजाद मौत में सिवारे दफक मगर पुराने जमाने में जिसे आप सूफी कहते हैं वो एक लोन बैटल लड़ता एक तनहा जंग लड़ता बदकिस्मती से उसका जाहिर उसके बातिन पर गालिब आता पहाड़ की खो सनद बन दरिया की गहराई उसके लिए सनद बन चिल्ला सनद बन गरकाबी चेहरा उसकी सनद बन वो ऐसा तो नहीं ही वॉज फाइटिंग ए बैटल ऑफ बैलेंस वो तो अपनी एतदाल की जंग कर रहा वो खल्क से इसलिए नहीं भागता था कि वीराने में इल्म पड़ा नहीं वो खल्क से इसलिए भागता था कि जुबान से किसी की गीबत न वो अपने आप को इसलिए फाका नहीं देता था कि फाका टूटने के साथ कोई गैर मराई ताकत और रूझ पाएगी वो अपने आप को इसलिए फाका देता कि कहीं रोटी की तलब तलाश उसकी मोहब्बत खुदावंद पे गालिब ना हो वो अपने आप को ऐसी आदात एतदाल पे लाना चाहता फिर कुछ लोग जो थे उसमें आगे बढ़े कुछ लोग इस किस्म के आज भी आप किसी बुजुर्ग की दास्तान सुन लें तो हैरत की बात कि उसकी अक्ल इल्म की बात नहीं हो हैरत की बात यह है
कि उसके मुजाहिदे की बात हो, उसकी रियाजत इल्म अकल की बात नहीं होती, उसकी सोचों से कोई आगाह नहीं होता। ये तो वो गरीब आदमी होता है, शरीफ आदमी जो तलब इल्म, तलब खुदावंद, जिसको ये पता है कि मेरी जबिलतें बेतदाद हैं,